नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में यस बैंक स्टॉक को डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस स्टॉक में कुछ न्यूज ट्रेंड हुई जिसके कारण 10% की तेजी दिखी। तो क्या न्यूज थी, आगे के क्या ट्रेंड होंगे, इसको समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। इस समय हमने क्या देखा, रिजल्ट जो रहे थे वो काफी बेहतर रहा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाई थी जिसके कारण कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड दिख रहा था। लेकिन आज इस स्टॉक में 10% के ऊपर की तेजी दिखी। यस बैंक में क्या न्यूज आया, यस बैंक के अंदर न्यूज ये आया कि HDFC बैंक के द्वारा यस बैंक के अंदर जो होल्डिंग है उसको बढ़ा करके 9.50% तक कर सकती है। इसके लिए RBI ने HDFC बैंक को स्वीकृति दे दिया है। इस समय अगर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो लगभग 65% होल्डिंग जो है वो FI और DI को मिला करके है और 35% नियर अराउंड पब्लिक होल्ड करती है, जिसमें HDFC बैंक 3% होल्डिंग ऑन करती थी, अब उसको बढ़ा करके 9.5% कर सकती है, जिसके कारण ये तेजी दिखा है। तो ये न्यूज रही। अब टेक्निकल क्या ट्रेंड दिखता है, मुझे इस समय शॉर्ट टर्म में अभी भी मैं निगेटिव हूं और 24 के नीचे की क्लोजिंग स्टॉक को इजिली 15-20% का फॉल दिखा सकता है, यानी 19-21 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। ये मेरे शॉर्ट टर्म के व्यूज हैं। लेकिन बात करें अगर लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म अभी भी मैं बुलिश हूं और मुझे लगता है कि 48-52 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो आपके क्वेरी होंगे, सर एक तरफ आप बोल रहे हैं 52 के टारगेट, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं 19 के लेवल्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो थोड़ा कॉशन बरतेंगे, क्योंकि 24 के नीचे की वीकली क्लोजिंग स्टॉक को इजिली 19-21 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अगर अपर साइड 27 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मोमेंटम ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर तभी लॉन्ग करेंगे, क्योंकि 27 को ब्रेकआउट करता है तो 34 और 48 के लेवल्स दिखेंगे और भाव भगवान है, इसीलिए लेवल्स को मार्क करिए और उसके अनुसार ही ट्रेड करेंगे। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।